मैं लेके चलता हूँ गुड्डियों की मार्केट में, आई मीन काइट्स की मार्केट में जम्मू लेके चलता हूँ यार। भाई इस रोड पे, इस जगह पे आना ना अपना दिमाग ख़राब करना है भाई। और हमारे जम्मू में तो रक्षाबंधन पे इतना सीन होता है ना यार, लोग गुड्डियाँ उड़ाते हैं, आई मीन पतंग उड़ाते हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं आपको कभी भी जम्मू की स्ट्रीट्स, एक्चुअल स्ट्रीट से वाकफ़ नहीं करवाया, तो आज आपको जम्मू की स्ट्रीट्स में दिखाते हैं रश। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, वंस अगेन आई एम हियर विद माय न्यू ब्लॉग। आज का यार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है आज, क्योंकि आज का दिन ही बड़ा बेकार सा निकल रहा है। एक तो सुबह से पता नहीं कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, और गर्मी ने तो भाई अल्टीमेट गुस्सा चढ़ाया हुआ है। तो यार मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग करके आज मूड ठीक करते हैं अपना, पेट में काम था, तो मैंने सोचा चलो चलते चलते जाते आते व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी यार, इसलिए हम भी चलते हैं गलियों से आज। तो भाई बहुत ज़्यादा आ भी है रक्षाबंधन, और 15 अगस्त भी आने वाली है, तो इतनी ज़्यादा चेकिंग और इतना ज़्यादा जाम लगता है ना। और 2 दिन से रैली चल रही जम्मू में, पता नहीं क्या हो रहा है यार, कुछ होगा शायद, और इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, तो मन नहीं करता कि भाई सिटी में जाने का। अब तो चलते हैं, फिलहाल हमें परेड जाना है, तो आज हम आपको लेके चलते हैं जम्मू की। देखना डॉगी क्या बात है, बीच में आ रहे हो। चलते हैं आज यार जम्मू की गलियों में, मैं आपको कभी भी जम्मू की स्ट्रीट्स, एक्चुअल स्ट्रीट से वाकफ़ नहीं करवाया, तो आज आपको जम्मू की स्ट्रीट्स में दिखाते हैं रश। भाई जम्मू में गर्मी बहुत ज़्यादा, ये हमारा रघुनाथ टेम्पल है, यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से हम होते हैं अब अंदर। देखो भाई कितनी पत्ते पत्ती जगह है, आ जाओ भैया आप आ जाओ पहले। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यार हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारे जम्मू में तो रक्षाबंधन पे इतना सीन होता है ना यार, लोग गुड़ियाँ उड़ाते हैं, आई मीन पतंग उड़ाते हैं, तो इतनी ज़्यादा पतंग, आई मीन सुबह से लेके शाम तक बस पतंग 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 पतंग। तो जो पतंग काटते हैं ना, पेचेबाजी करते हैं, उससे क्या होता है कि डोर्स कटती हैं और वो इन्हीं गलियों में आके कहीं अटकती हैं, और बड़ी ज़्यादा सीन बन जाता है यार। बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जम्मू में कि भाई डोर कटने से किसी का गला कट रहा है, किसी का हाथ, किसी का पाँव में फंस रही है। अभी नहीं है रक्षाबंधन, कल है, जब आप ब्लॉग देख रहे होगे तब रक्षाबंधन है, इसलिए मैं फेंटे फेंट चल रहा हूँ, लेकिन नहीं चलना चाहिए रक्षाबंधन में, यहाँ पर बहुत तगड़ा सीन हो जाता है। गलियों में चलने का मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर ना पैर लगाने का दिल नहीं करता नीचे। क्या बात है भाई, आज तो फुल ऑन रश होने वाला था गलियों में, तो यही थी गाइस छोटी सी गली जो होगी ख़त्म। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। चलिए आंटी जी आप जाइए भाई, जब से एरो की सर्विस करवाई है ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी इसकी, इतनी स्मूथ चलने लगी है ना, और पिकअप तो भाई फेंकती है पीछे यार। अब मैंने इसको टॉप एंड भी चेक नहीं किया, और अब मैं बहुत जल्दी इसको लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता लग रहा है इसको जब मैं रश करवाता हूँ ना, तो खुद पता लग गया था भाई हाँ कुछ फ़र्क आया है इसके अंदर। ये है गाइस पुरानी मंडी वाला रास्ता, और पीछे मेरे बैक साइड है परेड, तो यहाँ पे तो जाम होना ऑब्वियसली यार एक छोटी सी बात है भाई, जम्मू में कहीं जाम हो या ना हो, इन जगहों पे ज़रूर होता है। बिना पाँव लगाए जो बाइक निकालने का मज़ा है ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। बाइक को ना तेज़ आने में मज़ा नहीं आता यार, जो मज़ा आता है वो आता है भाई नीचे पाँव नहीं लगाना, ट्रैफिक हो, कंजस्टेड सी जगह हो भाई, ओ हो क्या फील है ना उसकी यार। तो भाई लोग अंकल साइड नहीं दे रहे, और हम लेंगे भी नहीं क्योंकि हमें यहाँ से होना है ऊपर लेफ्ट साइड। यार जैसे ये तारे वगैरह ना यहाँ पे ऊपर, जब पतंग आके फंसती है ना इन जगहों पे, तो डोर नीचे लटक रही होती है, और फिर पता ही है यार आगे सीन ख़राब हो जाता है यार, मैंने तो बहुत बार सुना है ऐसे केसेस। तो अच्छे से रक्षाबंधन मनाना भाई सब लोग, और बहुत ही इन्जॉय करना, गुड़ियाँ उड़ा के इन्जॉय। देखना अंकल क्या कर रहे हैं भाई इतनी आराम से आ रहे फिर भी काले पड़ रहे हैं। बस मुझे उन्हीं लोगों से डर लगता है यार जो पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जब बंदा पैनिक होता है ना, तो बाइक और गाड़ी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वरना ऐसे तो। ओ भाई एरो क्या परफॉर्मेंस दे रही है भाई, लोग मज़ा आ रहा है एरो को राइड करने में। आज मैं अकेला ही हूँ, तो मैं सोचा कि यार व्लॉग कर लेते हैं, आज मन कर रहा था मेरा व्लॉग करने का। और थैंक यू सो मच गाइस आप लोग, यार सबसे पहले तो आज मुझे मिला था एफएफ अतुल भाई, उस टाइम पे मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, आई मीन मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, और काफ़ी अच्छा लगा था इसे मिलके यार। एंड फिर कभी मिलेंगे कोई बात नहीं, तब हम अपना कैमरा भी ऑन रखेंगे भाई। और अकेला बंदा है भाई जिसने मेरी स्टोरी लगाई थी, आई मीन
जिसने मुझे सपोर्ट दिखाया। कई बात नहीं, मिलेंगे भाई अगली बार संडे राइड को, क्योंकि मैंने बोला था तो संडे राइड को मुझे फ़ोन करना, चलेंगे इकट्ठे चलेंगे साथ में राइड करने के लिए। गाइस यहाँ पे ही है मुझे काम, तो फिलहाल के लिए ब्लॉग बंद कर लेता हूँ और अब आते वक्त यहाँ से आएंगे फैंटो फैंट हम, तो जगह देख लेते हैं कैसी है। तो भाई कर लिया काम ख़त्म यार, अब यहाँ से भी निकल गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे जम्मू में ना मैं लेके चलता हूँ गुड्डियों की मार्केट में, आई मीन काइट्स की मार्केट में जम्मू में लेके चलता हूँ यार। ओ भाई खंडर, कितनी सही लोकेशन थी, थोड़ी सी खराब रोड, लोगों को देखा यार इतनी बड़ी बड़ी पतंग लेके जाते हैं ना भाई साहब, अपने से बड़ी बड़ी पतंग लेके घूम रहे होते हैं। तो आज चलते हैं यार पतंग मार्केट और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा सीन है, कल के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं लोग। फाइनली स्लोप भी ख़त्म हो गया एंड अब यहाँ से आ जाएगी मेन मार्केट। गाइस अभी मैं यहाँ पे हूँ पुरानी मंडी में, यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ जो म्यूज़ियम वाली रोड है वहाँ पे, उस पर चलो चलो। ओ भैया थोड़ी सी साइड दे दो, देख रहे हो गाइस क्या धूप का है। पता नहीं कौन सी मार्केट में आ गया हूँ यार, परेड में आ चुका हूँ मैं। देख रहे हो गाइस धूप कितनी है यार, बाय गॉड इतनी गर्मी में जम्मू में ना, हो भाई निकलने का मन नहीं कर रहा था, निकलने का दिल नहीं करता यार, फिर भी लोग देखो देख रहा भाई क्या बोलूँ मैं लोगों को यार, सच में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है यार लोग यहाँ के, एकदम भी ध्यान नहीं देते यार रोड में कहाँ चल रहे कहाँ नहीं चल रहे। सबकी बात नहीं कर रहा, अब अंकल जी को देख लो, अंकल जी को थोड़ी पता कि रोड के बीच में चल रहे हैं वो, सॉरी ब्रो पाँव लग गया यार। चल यार ऑटो भाई, इस रोड पे इस जगह पे आना ना अपना दिमाग ख़राब करना है भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं भाई, हमसे रुका नहीं जाता और इन लोगों से चलना नहीं जाता। अब ऐसी बात है ऑटो है, साइड मिलेगी तो जाएगा बेचारा, आंटियाँ भी आगे खड़ी होगी होंगी ना, अगर रश मार दिया ना यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे ओए 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 ओए। चलो भाई शुक्र है ख़त्म हुई, आज तो दिन दनादन शॉपिंग चल रही है, चारे अंकलों की तो आज जेब लूट रही है यार। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी पतंग नहीं उड़ाई भाई, एक बार ट्राई की थी पर उड़ी नहीं। और यहाँ पे देखो आज तो भाई आपको हर जगह पे पुलिस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है जम्मू में, 15 अगस्त आ रही है वो तो बड़ी दूर है, बट फिर भी कोई रैली भी चल रही है, मैं बताया था ना आपको उस चक्कर में। और इस साइड तो भाई बहुत ज़्यादा जाम होता है, गुज्जर नगर अपना पंचतीर्थी साइड होता है ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वजह से आया हूँ भाई, पतंग मार्केट दिखाने आप लोगों को, पहले जान ही देते अब हम आए तो जान लग गए। डिस्पैच भी ख़त्म हो चुके हैं टोटली, मैं सोच रहा हूँ बाहर मार्केट से इंस्टॉल करवा लूँगा, क्योंकि यार पता किया था मैंने, बोलते एक ही बात है यार अंदर से करवाओ बाहर से करवाओ, और बस महंगे हैं वो 900 के अंकल ने स्कूटी ठोक दी भाई। ओ भाई क्या जाम लगा यार, शिट गलती कर दी यहाँ पे आगे से, जब ऊपर से आता ना तब तो पहुँच के निकल भी गया होता। देख रहे भाई और कह रहे लड़के ने कोई 15-20 पतंग पकड़ी होंगी, इस मार्केट का तो हाल ही अलग है, कितनी बड़ी बड़ी पतंग होती है ना, उड़ाते कैसे होंगे भाई। देख रहे हो गाइस एक कैरम बोर्ड जितनी पतंग है पूरी, ओवरटेक करना तो कर नहीं करना तो पीछे हो जाए यार, ना चल रहा ना जाने दे रहा है, गाड़ी तो टाइम लेगी ना। पक्का कोई लेडी है आई थिंक, शाबाश है रो, शाबाश शाबाश है रो, बेसिक करा दिया तूने, इतनी स्मार्ट होके बीच रास्ते में बंद हो गई है। देख रहे हो गाइस ये पूरी यहाँ पे पतंग मार्केट है, और यहाँ पे आपको पतंग तो भाई मिल जाएंगी, आपको कितनी बड़ी चाहिए वो बताओ, मेरे को तो शौक ही नहीं उड़ाने का ना, मैंने कभी उड़ाई ना, मुझे पता है कि क्या मज़ा आता है उड़ाने में, और लास्ट में कटनी है वैसे भी। भाई मैं तो ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ ना जो सुबह चढ़ते हैं 5 बजे एंड रात को जब तक नज़र आता है ना तब तक बस पतंग ही उड़ा रहे होते हैं। ये देख रहे हो गाइस कितनी भीड़ है, आप लोग में से कौन कौन पतंग उड़ाता है यार, किसको मतलब शौक है पतंग उड़ाने का जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि एक सिद्रा चला जाऊँ, एक टॉप एंड का रश मार ही लूँ, क्या बोलते हैं गाइस, या फिर ट्रैफिक मारते हैं गाइस। गाइस रिपीट नहीं करना, बहुत सारे कांड भी होते हैं, देखो देखो कांड रहा ना, ये भी कांड होते हैं गाइस,
तो बस इन चीज़ों का ख्याल रख के ना, कभी भी देख के इंस्पायर होके नहीं चलना यार, क्योंकि हो सकता है यार आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है आपको मेरे से कम एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइडर हो, तो बस आप अपने अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। कभी भी ऐसे देख के ना वीडियो से इंस्पायर होकर नहीं चलना यार, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ देख के रिपीट करने की कोशिश नहीं करना, ओके। एंड मज़े करो भैया। अच्छा यार परफॉर्मेंस सेकंड सर्विस के बाद इसका पिकअप काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया। अब मैं इस छोटी सी राइड को यहीं पे एंड करता हूँ गाइस। आई होप आपकी जो रखड़ी है काफ़ी अच्छे से बीते एंड आप लोग काफ़ी इंजॉय करो पतंग के साथ। एंड काफ़ी ख्याल रखना अपना यार, अपने हाथ हाथ मत काट लेना, रबड़ वगैरह आती है तो उसका यूज़ कर लिया करो, ओके। तो करते हैं गाइस इस ब्लॉग के यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बहुत जल्दी अब हम हिमाचल की ट्रिप मारने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको फिर हिमाचल की ट्रिप में गाइस। उसके पहले जो मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग्स आपके लिए मैं शूट कर लूँगा फोटोग्राफ, फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं और मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। कमेंट करके बताना आपको ये सोलो रश कैसा लगा, अगर कहीं मैंने रश किया भी है तो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो।